नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। केतार से हमारे संवाददाता रविकांत वर्मा की रिपोर्ट। उपचुनाव का परिणाम जेएमएम के खाते में आने से दी बधाई। केतार, झारखंड के दो उपचुनाव परिणाम महागठबंधन के खाते में आने से बसपा के महासचिव अजय वर्मा ने अपने पैतृक आवास पर प्रेसवार्ता किया। श्री वर्मा ने बताया कि भाजपा की नीति से झारखंड के लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि आने वाला समय में झारखंड भाजपा मुक्त होगा। दुमका विधानसभा उपचुनाव में अजय वर्मा ने बसंत सोरेन के पक्ष में प्रचार किया था। दोनों जीत तो महागठबंधन के खाते में आने के बाद श्री वर्मा ने राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन, सूबे के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर एवं विजेता बसंत सोरेन व अनूप सिंह को बधाई दी। स्थानीय विधायक भानु प्रताप शाही जी पर टंच कसते हुए उन्होंने कहा कि बेरमो विधानसभा उपचुनाव का प्रचार में शरीक हुए बेरमो की जनता ने नकारा, उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, इसमें हम आज काफी खुश हैं, और हम नहीं खुश हैं, पूरा झारखंड खुश है। जो सेकुलर विचारधारा के लोग हैं सारे लोग खुश हैं। जो झारखंड दुमका और बेरमो उपचुनाव का जो रिजल्ट आया है उसमें बसंत जी और अनूप जी जो विजयी हुए हैं जेएमएम और कांग्रेस के प्रत्याशी, तो इसके लिए तो पहले हम झारखंड के जनता को बधाई देना चाहते हैं कि इतना बढ़िया समय पर जनता ने अच्छा डिसीजन लिया है। और बधाई के पात्र हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जिन्होंने कुशल नेतृत्व और पारदर्शी सरकार और प्रशासन झारखंड में देखे झारखंड के गरीबों को महसूस कराया है कि यह सरकार गरीबों की सरकार है। उसी का परिणाम है कि दोनों सीटों पर सेकुलर विचारधारा की जीत हुई है, और हम हेमंत सोरेन जी को बधाई देते हैं। और बधाई के पात्र हैं दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत मशक्कत से अपनी पूरी जवानी देके हम गरीब के बच्चों के लिए अलग राज का मार्ग प्रशस्त किया है। सारा श्रेय अगर जाता है तो दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी को जाता है। झारखंड के दुमका और बेरमो उपचुनाव में आप और माननीय विधायक जी शरीक हुए। हम लोगों के जानकारी के अनुसार आप और विधायक जी दोनों एक ही प्रखंड के एक ही पंचायत से हैं। इस उपचुनाव के नतीजे से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, आप एक ही पंचायत और एक ही प्रखंड से मत बोलिए, हम लोग एक ही घर के मेंबर हैं। हमारे पिताजी इस पंचायत के सरपंच हुआ करते थे, उनके पिताजी मुखिया हुआ करते थे, और हम लोगों का पारिवारिक रिश्ता, दोनों का पारिवारिक रिश्ता और आज भी पारिवारिक रिश्ता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब भानु प्रताप शाही जी का नाम आता है तो मेरा कलेजा कांप जाता है। हमने वह दिन भी देखा है जो भानु जी के साथ हमने आंदोलन किया, जेल गए, लाठियां खाई, और उनको जनता ने विधायक बनाया, और उस विधायक बनाने के दौर में हमने काफ़ी सहयोग किया, इज्जत जाहिर है। और मैं भानु जी पर क्या बोलूँगा, कुछ हमको नहीं बोलना है। मैं तो भानु जी के बारे में बढ़िया जानता हूँ कि भानु प्रताप हैं क्या, और जहाँ बेरमो में गए वहाँ की जनता भी समझ गई कि भानु प्रताप हैं क्या। ये गिरगिट के गोह बना के उनसे घूमते जो चल रहे हैं, मैं तो बढ़िया से इनको जानता हूँ। अब भवनाथपुर विधानसभा के जनता समझे कि भानु प्रताप कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, इनका एगो काम बढ़िया बता दीजिए। तो हमको भानु जी पर कुछ नहीं बोलना है, हम इनसे बहुत ही नहीं है हमारा, क्योंकि हम लोग अपना पारिवारिक रिश्ता है वो अलग बात है, राजनीतिक विचारधारा हम लोगों को नहीं मिला। चूँकि मैं भी एक समाजवादी परिवार का बेटा हूँ, और वो भी एक समाजवादी विचारधारा के परिवार के बेटा, चूँकि हमारे पिताजी और उनके पिताजी समाजवादी आंदोलन के नेता रहे हैं पलामू प्रमंडल के, और हम तो सोचे भी नहीं थे कि भानु जी बीजेपी में चल जाएंगे। हमारे अंदर समाजवादी का ब्लड, हम लोगों के अंदर रगों में समाजवादी का ब्लड दौड़ रहा है, और समाजवादी विचारधारा के लोग जाके आरएसएस का हाफ पॉइंट सही आ रहे हैं, अपना नौजवान संघर्ष मोर्चा खत्म करके, तो हम उन पर क्या बोलेंगे। इस उपचुनाव के नतीजे के बारे में बता दीजिए। नहीं, उपचुनाव का नतीजा बहुत बढ़िया रहा है। देखिए, हम लोग गरीब गुरबा परिवार से आते हैं, काफ़ी गरीब परिवार के बच्चे हम लोग भी आज भी हैं, अपने हाथ से खेती करते हैं, जरूरत पड़ता है तो खाट घोरान करते हैं, और मौका इससे मिलता है पारिवारिक खेती से तो जाके राजनीति करते हैं। और अभी हम लोग गए, आपको जामा भैया जीते हमारे, वहाँ भी हम लोगों को लगाया गया था, चार दिन वहाँ हम लोग रहे। दुमका में गए, वहाँ जो आदेश हुआ माननीय मिथिलेश ठाकुर जी ने हमको जो जो कहा हम लोगों ने जाके किया, तो हम लोग तो काफ़ी ये है। और बहुत बिहार के नतीजा जो आया है उस पर थोड़ा सा हम काफ़ी दुखी हैं इस बात को लेके कि मोदी सरकार जो है निर्लज्जता की सारी हदें पार कर दी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड, सबसे पहले सबसे तेज। तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।